हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारथी लिटिल गार्डन। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम पॉपी को ट्रांसप्लांट कैसे करें और कितनी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो ये जो प्लांट होता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे नहीं पता है कि इतने सालों में से कौन सा कलर डिफरेंट है, तो मैंने ये मिक्स करके रखे हुए हैं। तो देखते हैं इनमें कौन कौन से कलर निकलते हैं। तो आप इन्हें ट्रांसप्लांट करना मैं आज आपको बताती हूँ। इन्हें बहुत ही सावधानी से हमें मिट्टी के साथ ही निकालना होता है। ये नहीं है कि हम इनकी रूट्स को झटक लें झटके से, ऐसा हमें नहीं करना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, चूँकि अब ये इतने बड़े हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा घने भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इन्हें मैं थोड़ा अलग अलग करूँ ताकि इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो। तो वही स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसकी रूट्स हैं ये, और ये थोड़ा चिपका हुआ है। अब मैं इसको निकालूँगी तो मैं इसे यहाँ से नहीं खींचूँगी, बल्कि इसे इस तरीके से ही मिट्टी के साथ इस तरीके से उठाऊँगी और इसी तरीके से मैंने इसे लगाना है अपने पॉट पे जो मैंने इसके लिए तैयार किया हुआ है। और एक ही साथ में बहुत सारे पॉपी लगाऊंगी, कम से कम 6 प्लांट में एक पॉट में लगाऊंगी 10 इंच के। तो एक और मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए, और इस तरीके से मुझे ये निकालना है। देखिए अभी इसकी रूट्स इतनी लंबी नहीं है कि इसे कोई दिक्कत होती, तो इसी मुझे ये मिट्टी के साथ उठाकर लगाना है। तो मैंने ये निकालने हैं जितने मुझे अभी चाहिए। ये इस तरीके से देखिए, फिर से दिखाती हूँ, ये मैंने ले लिया। तो इसी तरीके से आपको भी ट्रांसप्लांट करना है पॉपी को, क्योंकि पॉपी को ट्रांसप्लांट करने के बाद बहुत ही कम जो प्लांट हैं वो सर्वाइव करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से इन्हें निकालते हैं तो ये अच्छे आपके पॉट में लगते हैं, और मैं इसे आगे भी आपको ज़रूर इसका अपडेट दूंगी। देखिए इस तरीके से मैं इन पॉपीज को इस 10 इंच के पॉट में लगा रही हूँ। चौड़ाई में ये थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इस तरीके से आपको ये लगानी है। ये मैं जो मैं मिट्टी के साथ उठा कर लेकर आई हूँ, ये इतनी दूरी पर ये मैं लगा दूँगी इस तरीके से। और ये देखिए, पहले मैं इस तरीके से इसमें होल कर लूँगी और इसे इसकी मिट्टी के साथ ही इसमें इस तरीके से दबा दूँगी। तो इसके लिए मिट्टी मेरे गार्डन की है और इसमें मैंने थोड़ी सी ऐश और थोड़ी सी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो हमारी घर की बनी हुई होती है चीज़ें, वो मिलाई हुई है। गोबर खाद मैं इसमें अभी बाद में डालूँगी, फिलहाल मैं इसे थोड़ा हल्के ही उसमें रहने देना चाहती हूँ। और ये देखिए, अब मैं इसे भी इधर लगा दूँगी। ये देखिए, और एक और, ये तो मैं इन सबको लगा के आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने इन्हें लगा देना है, और आप देख सकते हैं इनको मैं मिट्टी के साथ भी उठाकर लाई थी, लेकिन फिर भी ये थोड़े से मुरझा गए हैं। और पानी भी आपको इसको एक बार दे देना है और बिल्कुल हाथों से पानी देना है। अगर आप पर स्प्रे बॉटल नहीं है, जैसे मैं तो स्प्रे बॉटल भी हो तब भी इन्हें हाथ से ही पानी देना ज़्यादा सूटेबल मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक हैं। देखिए इस तरह से आप इनको लगा लें
और इनमें से अभी मुझे पता नहीं कितने चलेंगे कितने नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये सही चलेंगे क्योंकि अभी अभी ने मैंने ट्रांसप्लांट किया है। तो आज ही ऐसे हैं, कुछ दिन के बाद मैं इन्हें देखूँगी। और आप ज़रूरी बात ध्यान रखें कि इसमें ओवर वाटरिंग ना करें, ड्रेनिंग सिस्टम इसमें अच्छा होना चाहिए और प्लांट्स के लिए हवा का आना जाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम लोगों के लिए। तो आप इसे छाया में रखें क्योंकि ये बहुत ही नाजुक हैं, इसलिए इन्हें तेज़ धूप में आप एकदम बिल्कुल भी ना रखें। तो इसी तरह इन्हें आप कहीं छाया में या अपने कमरे के अंदर आप इसे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और भी कुछ अगर मैं भूल गई तो प्लीज़ मुझे आप बताएं। थैंक यू, बाय। अपना ध्यान रखें।